होशियारी दिल नादान बहुत करता है, फिर भी अपना ही ये नुकसान बहुत करता है। दिल ये करता है कि चलता ही रहे एसी, लेकिन बिल जब आता है परेशान बहुत करता है। ऊपर से गर्मी है बढ़ती जा रही, लो फिर आ रहे हैं वासु चौधरी। तारिक अजीज साहब मरहूम की रवायत को आगे बढ़ाते हुए, देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल हैं जी? सर अल्हम्दुलिल्लाह, कंडीशन आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग सुनाइए। सलवार कमीज पे बहुत कम लोगों को कोट जचता है सर, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं वैसे बोलू, मैं कहा यार लारी अड्डे मेरी जेब कटी गई, कहते दर्जी को सवाल आ जा रहा है। बाजी थोड़ा साल दे इज्जत बनी, यकीन करो घर कोई इज्जत नहीं, तरिया बेले देंगे ने जा बैंक च तार के। लेकिन एक दफा वेल ड्रेस होके अपने ससुर के पास गए, अच्छा जर जाके कहने लगे माफ कीजिएगा अंकल जी, आपकी बेटी में दिमाग नहीं है। तो आगे से उन्होंने कहा भाई आपने हाथ मांगा था, दिमाग नहीं। कह रहे हैं तेन रोटी बनानी नहीं आती, उंज बनाया कर जिस तरह अम्मी बनाते ने। अच्छा कहते तुम भी उंज आटा गुना करो जिस तरह ताडे अब्बू गुंदे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर और हमारे बड़े फेवरेट पॉलिटिशियन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जनाब मोहम्मद तौफीक भट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्टर मॉडल और पढ़ रही है साइकोलॉजी, मोहतरमा फातिमा बलोच। शो तौफीक भट साहब, आज माशाल्लाह मेरी फेवरेट मॉडल आई हैं जी। अच्छा, और आज का बहुत ही प्यारा शेर मैं भाईजान के लिए लाया हूँ। माशाल्लाह कितने स्मार्ट और खूबसूरत हैं। नून के एक नुक्ते में है कितने भट, नून के एक नुक्ते में है कितने भट, ये मगर तौफीक भट हैं साहिबो, सबर की कितनी तौफीक इनमें है, तुम बताओ बेवकूफो गासबो। तुम बताओ ना कर एवें यार लड़ाइयां, ना कर एवें यार लड़ाइयां, नफरत दी दीवार लड़ाइयां, ते कई वरी ते सिर भी डिगया, डेगी जद दस्तार लड़ाइयां। लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए हैं, लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए हैं, जितने भी नंबर दिए हैं सब बन दिए जी। भट साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। भट साहब ये तो माशाल्लाह बिल्कुल नया एक आदमी निकला है आपके अंदर से, ये क्या हुआ? ये तो मैं कहता हूँ कमाल कर दिया आपने। सर इतवार को भी किधर जिम जाते रहे ने। बस ये असल बात प्रिया साहब ने जिम वाली बात एम ही कर दी है, असल बात यह है कि पूरी कौम का अब यही हाल हो रहा है। अच्छा, पूरी कौम महंगाई, इस महंगाई ने खुराक को कम कर दिया है, लिहाजा जब खुराक कम हो जाए तो हम भी कौम का हिस्सा है। मगर तो अब तो फिट हो गए बिल्कुल, 24 घंटे जो जेन च खौफ रहने नैब जाते फिर। अच्छा लड़ाइया वाली गल गलत की है ना। अच्छा मैं तो शरीफ आदमी, इलेक्शन जरूर लड़ना और लड़ाई को नहीं लड़ता। इन्हें स्मार्ट हो गए ने कि इन्हें घर मेहमान आवे ना तो आप जाते ने बाहर, तो कहते जा अपने अबू भेज यार। वैसे भट साहब ऐसा हुआ आपको किसने बताई ये बात? मैं ही क्या सी मेहमान जी। नहीं मगर बताए एक्चुअली में भट साहब कितना वेट लूज किया आपने? तकरीबन 15 किलो। ओए होए होए, एक बकरा निकल गया। 15 किलो का बकरा निकाल दिया आपने? हां निकल गया। और ये कैसे किया? असल बात तो यही है कि इस महंगाई ने निचोड़ दिया आम को, तो मैं भी निचड़ गया हूं इसी तरह। नहीं मगर क्या कैसे, क्या खाना कम कर दिया या जिम तो नहीं गए गलती से आप? जिम भी मैं जाता हूं, 1 घंटा डेली जिम जाता हूं। हाय 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 हाय। और सुबह का टाइम
अपनी जो डाइट है उसको जरा थोड़ा सा चेंज किया है। बताएं ना, मैं देखिए आप निकल रही बातें हैं। सुबह का टाइम मैं जो है ना पानी, गर्म पानी, और उसके बाद फिर वो जो एक गंदम की रोटी होती है ना, गर्म पानी से करते के छाल मार देते हैं, गर्म पानी से करते के गर्म पानी पीता हूं। अच्छा पीता हूं, ये बताएं ना, क्लियर करें। नीम गर्म पानी, और उसके बाद मैं जो रोटी होती है ना गंदम की, वो नहीं खाता मैं, जौ की एक रोटी होती है उसको शुरू किया था 4 माह से। ठीक है, आपके प्रोग्राम की जुदाई की वजह से भी हो गया हूँ, काफी देर हो गई। अब आपने बुलाया, अस कोरोना तो नहीं डर दे, जिन्हें कोरोना लिया और कोई डरने स्मार्ट हो गए ने, पर ससानी तबीयत नहीं। यानी कि एक घंटा एक्सरसाइज और साथ अपनी डाइट को, आपने खाने पीने को बहुत कंट्रोल किया। कंट्रोल किया, ये बात ठीक है। मैं काफी पहले काफी खाता था, अब जरा कम। लेकिन मुझे तो कुछ और ये लग रहा है। वैसे आप बताएं फातिमा, आप तो साइकोलॉजी पढ़ भी रही हैं, कि ये जो इतनी मोटिवेशन है, ये तो मुझे लगता है इसके पीछे कुछ और भी है। मुझे भी यही लग रहा है, मतलब मतलब ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं हैरान हूँ कि इन्होंने इतनी मोटिवेशनल स्पीच दे दी। हम तो इधर लॉकडाउन में तो लेटे रह रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं मोटे सब। मतलब मैंने तो आज ही सुना है कि देखें एक कोई है जो जिम भी है। डेडिकेशन देखें आप जरा, कमाल है। जो लोग ज्यादा खाते नहीं थे ना, उन्होंने लॉकडाउन में खाना शुरू कर दिया। अच्छा, और मैं पहले ज्यादा खाता था, लॉकडाउन में खाना कम कर दिया। इसकी वजह ये भी तो है कि जब लॉकडाउन हुआ तो आप लोगों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत की अगर बात करेंगे तो हुकूमत का तो इस वक्त बड़ी और भी बातें हैं करने वाली। नहीं नहीं, मैं तो वो खाने और ना खाने वाली बात बता रहा था। नहीं नहीं, वो खाने वाली और बात है, वो हुकूमत खा रही है, अपोजिशन तो मार खा रही है। कोशिश कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन खत्म हो तो वो एक नए, जिस तरह कम बैक टू पॉइंट जो कह रही थी कि आपको भी लग रहा है कि कुछ और मोटिवेशन भी होगी पीछे, ये है ना, इट कांट जस्ट बी के एकदम ख्याल आया व्हाट्सएप को मिलेंगे या जो भी मीटिंग चीटिंग या कुछ भी, तो एक नया आदमी बनके निकले। खातून को भी ये लग रहा है, नहीं नहीं, ये भाभी ने ससुराल के तो चोरी फोन कर रहे, इन्होंने सुन लिया किस मोटे दे बस पाता जी। नहीं मगर बताएं सर, आप स्मार्ट हो गए, बता तो रहा हूं, आप सोशल मीडिया पे हैं आप? हाँ हाँ, फेसबुक पे हूँ। फेसबुक पे हैं, तो किसकी रिक्वेस्ट आई थी? वो रिक्वेस्ट का मुझे इतना नहीं पता होता, अब लोग फॉलो ही करते हैं, रिक्वेस्ट तो 5,000 कंप्लीट हो चुके हैं। किसने फॉलो किया आपको? आप बेशक चेक कर लें, मेरे पूरे 5,000 फ्रेंड लिस्ट में से आपको वो वाली बात एक भी शायद ना मिले। वो वाली कौन सी बात? वो जिस तरफ आपका इशारा है। मेरा इशारा किस तरफ? मेरे ना सारे पहलवान ही ने जिन्हें फ्रेंड ले। अच्छा, तो मकसद हो कि बंदा है जिन्हें अपना मतीरा रखे है। क्या? मैं कहूँ बंदा है जिन्हें अपना नाम मतीरा रखे। अच्छा बट सर, वैसे आपको मतीरा का पता है? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। क्या पीटीआई दी ते कैसर दी गल नहीं समझ आउंदी तुहानू? है ना, अजकल जरा ना सानू कई गल्लां नहीं समझ नहीं आउंदी। जदों दे स्मार्ट होए, इहनां दा पुत्तर मैनू फोन कर रहा है, अबू नू समझाओ मेरे कपड़े पाए जांदे ने। वैसे ऐसा हुआ कभी? सारी बातों का इनको पता है, मेरे अंदर की बातों का सारा इनको पता है। इनको कैसे पता है ये बताएं? यार है साडा सर, पहले जिगर जान। फातिमा, आपकी इससे पहले कभी पॉलिटिशियन से मुलाकात हुई? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम आप मिल रही हैं। बिल्कुल। कैसा पाया? जैसा मेरा एक फसाद था कि जी बड़े वो, लेकिन he is very jolly, है ना? बिल्कुल लगते ही नहीं है ना पॉलिटिशियन। Exactly. नहीं लगते हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगी। नहीं मगर मुझे एक ट्रेडिशनल इमेज होता है आपके ज़हन में। भाई इनको अपने चेयर दे पेश कर रहा था, मैं कह रहा था इधर बैठे मैं खड़ा होता हूं। वैसे इमरान खान दिखो रहे थे ना चेयर दे रहे, मगर बात यह कि जिस तरह का एक ट्रेडिशनल जो एक इमेज होता है पॉलिटिशियंस का, हमेशा जो लोग मेले नहीं होते उनके ज़हन में होता है कि वो दबदबा वो वाला जो एक इमेज होता है, वो तो नहीं आपको फील हुआ ना? इतने जोवियल और कोई ताल्लुक नहीं, लाइवली आदमी है, और ऊपर से आते ही उन्होंने बता दिया कि मैंने 15 किलो भी लूज कर दिया। Exactly. तो ये देखे कैसा वैसे ही, और खवातीन को तो वैसे ही बड़ा इंटरेस्ट होता है डाइट शाइट कैसे मेंटेन करे, और सभी जाते हुए मैं इनसे एक दो लिखवा लूंगी। ये देखे आपसे वो कह रही है मैं जाते हुए लिखवा लूंगी। ये तो बेचारी पहले 25 किलो वेट है इसने और क्या लिखवा। नहीं नहीं, लॉकडाउन में मैंने 10 किलो गेन कर लिए। ये देखे अभी 10 किलो गेन हुआ है। मुझे नहीं लगता, मुझे तो 25 से ज्यादा नहीं लगता इनका। वो सोचे अभी क्या होगा जो वो कह रही 10 किलो गेन हो गया वेट। 30 साल से हुकूमत की थी, कह रहे हुकूमत की थी, हुकूमत नहीं की थी, हुकूमत की थी। अब पूरी कौम के साथ हम भी इंतजार कर रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा था ना, जब आएगा इमरान बनेगा नया पाकिस्तान, ये कहते थे ना। अब पूरी कौम कह रही है कब जाएगा इमरान, छूटेगी हमारी जान, कब जाएगा इमरान।
देखे ये जो एक है ना, ये मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ शो करते हुए। एक बड़ा एक नेचुरल आदमी निकलता है अंदर से। आप भी बड़े नफीस इंसान है, आपकी टीम बड़ी नफीस है, बड़े प्यारे लोग हैं आप, बड़े जबरदस्त लोग हैं आप। मैं दिल की गहराइयों से आपको ये कहना चाहता हूँ, जब भी आप बुलाते हैं ना, मेरे बच्चे भी मेरे घर वाले भी कहते हैं उस प्रोग्राम में जरूर जाइएगा, बाकी मुझे किसी जगह जाने की इजाजत कम ही देते हैं, आपका प्रोग्राम में खुली इजाजत हो। नहीं मगर तो आपको बाकी जगह जाने की इजाजत क्यों नहीं मिलती? हुकूमत की मर्जी होती है ना, जिथे मर्जी क्यों कर ले। नहीं हुकूमत जो हुकूमत जो ये हुकूमत कह रहे थे ना, वो हुकूमत की मर्जी होती है। अच्छा तो यानी कि कोई घर की तरफ से कुछ आपकी जो ना रिप्यूट अच्छी है, ये जिधर जाते हैं अगले बंदे की रेपुटेशन पे डिपेंड करता है कि जा सके। अच्छा देखा ना कैसी कैसी अच्छी बात की है ना। बता मुझे बताएं, आप साइकोलॉजी पढ़ रही हैं? जी बिल्कुल। ये क्या मजबूरी में पढ़ रही हैं या आपका दिल था एक्चुअली में? मैं बहुत शौकीन हूँ साइकोलॉजी की। अच्छा, इसी वजह से मैंने अपने एक्टिंग करियर के साथ पढ़ाई और साइकोलॉजी को नहीं छोड़ा और मैं इसको बिल्कुल कंटिन्यू कर। व्हिच इज ग्रेट, यू प्लान टू डू योर मास्टर्स और समथिंग? आई थिंक आई डू, मैं इंशाल्लाह PhD तक अगर मतलब अगर मैं खुद पागल ना हुई, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं ना जो नफ्सियात पढ़ते हैं वो खुद भी मेंटल हो जाते हैं। तो अगर हम सही रहे तो PhD कर जाएंगे। नफ्सियात अच्छा जी, इसलिए मेंटल हुए हुए। मगर आप मुझे बताएं, नफ्सियात आप पढ़ती हैं तो डज इट हैपन कि आप जब लोगों से मिलती हैं तो आप सब कॉन्शियसली उनको एनालाइज कर रही होती हैं? अच्छा ये वो बड़ा एक आई थिंक मिसकंसेप्शन है, मतलब जिसको बताएं मैं जी साइकोलॉजी पढ़ती हूँ तो वो अच्छा बताओ तो मैं क्या सोच रहा हूँ, भाई मुझे क्या पता आप क्या सोचना। नहीं मगर एक जनरली एक कैरेक्टर पैटर्न जो होता है, मे बी शायद उसका स्केच बना लेते हैं। ये है कि आप फील कर लेते हो कि अगर कोई एंग्शियस है या वो अगर कोई मैकेनिज्म यूज कर रहा है तो वो थोड़ा बहुत समझ आ जाता है, बट इतना ज्यादा नहीं है, कोई मशीन तो नहीं होगा। आपने वैसे क्या जज किया इनकी गुफ्तगू सुन के? ये देखा फिर आपने वही बात कर दी। नहीं वैसे मैं जज सिर्फ पूछ रहा हूं कि जनरली उनके कैरेक्टर के बारे में क्या आपके ज़हन में स्केच बना? वैसे कैसा आपने सोचा मेरे बारे जी? मैंने तो आपको बड़ा खुश अखलाक पाया है, सबको यहाँ पे जितने भी हैं और अपनी जॉब तो जनरलाइज हो गया ना बड़ा। मेरी बात मैं मतलब कैसे आपको डायरेक्ट, प्लीज आप खुल के बोलें, मेरी जिंदगी का सवाल है, मजाक ना करो आप। अच्छा मैं शो के एंड पे बताती हूँ क्या चाहिए, मुझे थोड़ा टाइम देना कि मैं थोड़ा एनालाइज करूँ, थोड़ा समझूं, थोड़ा वो करूँ, तो फिर तुसी 6 महीने बाद आ जाना, फिर कर लेंगे। अभी बताएं जिंदगी में आपने पढ़ाई की है, बताएं मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ मैं जिंदगी में, क्या मेरा मिशन है? तेनू नहीं पता तो ये हुक्मरानी नजरिया तो मंजूर सबके अलग है कुछ मुश्तरिक तो सिर्फ बेईमानी हो इजलास या टीवी का टॉक शो हो सुबह शाम होती है बस बदजुबानी। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। बट साहब आप ऐसे लंदन गए हैं? नहीं मैं यूरोप गया हूँ, इंग्लैंड जाना था, अभी वीजा लगा हुआ है मगर ये कोरोना की वजह से। ओए होए होए होए, तो ये तो बड़ा आपका दिल जो है वो खून के आंसू होता होगा। अब पाकिस्तान में कोरोना काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है, हाँ। उधर कम हो रहा है, ठीक है। ये इमरान खान साहब डेली कहते हैं ना, मसाले हमें देते हैं यूरोप की, कभी कहते हैं अपना अमेरिका की, कभी चाइना की, वो तमाम मुल्कों में अब कोरोना खत्म हो रहा है, हाँ। इनकी नहली और नलायकी की वजह से फैल रहा है पाकिस्तान। तो अभी दिल तो नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को छोड़ कर नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे मियां शबाशी साहब उधर से इधर आए हैं कोरोना के लिए काम करने के लिए, तो हम भी इंशाल्लाह उनकी क़यादत में इधर ही रहेंगे, अभी जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अल्लाह से दुआ भी करेंगे, अमली तौर पे भी अब इंशाल्लाह। लेकिन वो जो वीजा दिया आपको, के खिलाफ बात काम कर रहे हैं शबाज शरीफ की? नहीं वो तो शबाज शरीफ सब कर रहे हैं, लेकिन वो जो वीजा हम भी कर रहे हैं, हमें उन्होंने पूरी टीम को शामिल किया हुआ है। वीजा जो गोरो ने आपको दिया उसका क्या करना है? कोई बात नहीं, फिर ले लेंगे वीजा। वीजा की क्या, फिर से वीजा आएगा, पिज्जा नहीं जेड़ा फिर मिल जाएगा, लेकिन वोट मैंने PTI को डाला, लेकिन GA भुट्टो बस वो एक एफिलिएशन अब बन रही है ज्यादा, थोड़ा तब नॉलेज नहीं था जब वोट दिए, लेकिन अब हिस्ट्री वाले यही कह रहे हैं हमें पता नहीं था ये होना जो दे दिया। इमरान खान साहब कहते थे ना एक मौका मुझे दे दो, ऐसा बेड़ा गरक किता हो एक मौका अगो नहीं सु मिलना कभी। सर उन्होंने एक मौका पाकिस्तान लिए मंगया, तो आड़े वास्ते मंगया।
एक मौका उसने मांगा तो था ना, तो जिस तरह जैसे तैसे भी उसको मौका मिल गया। अब पाकिस्तान के अवाम कहते हैं एक मौका हमें दे दो, रियल पॉलिटिशियंस को देखें तो वो बीबी हैं हमारी और भुट्टो साहब हैं, तो आई थिंक दोबारा उनको रिवाइव करना चाहिए। अच्छा, मंशूर किसका आपको अट्रैक्टिव लगता है? इसलिए रोटी कपड़ा मकान। वो आपको इलेक्शन के वक्त नहीं इल्म था ये सारी चीजों का? नहीं नहीं, ऑब्वियसली था, लेकिन इमरान खान थोड़े सेलिब्रिटी हैं, थोड़ा एक वो है, तो वो उस चाम में ठीक है वो डल गया। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें, अब कंट्री के साथ सिंसेयर होते हैं तो फिर यू एक्चुअली वोट मैटर करता है। तो आपको खान साहब का तो चले सेलिब्रिटी और वो उसमें आपने वोट दे दिया, नहीं वो वैसे सिंसेयर आदमी, आपने वोट दे दिया। अब आपको पीपल्स पार्टी के भी हिस्ट्री, तो नून लीग के अंदर आपको ना सेलिब्रिटी नजर आया और अभी तक ना वो नजर आई है, ये आप नोट कर लें। असल में वो एक डीजे बट था, उसने मुख्तलिफ किस्म के म्यूजिक चलाए, ट्यूं टां करके ना जैसी जो बच्चियां थी उनको लगा लिया पीछे। अब वो बेचारा खुद वो डीजे बट उसी कंटेनर में, जिस कंटेनर में नया पाकिस्तान बना था उस कंटेनर में वो नए दाल चावल लगाए हुए हैं उसने जाकर पूछा। मगर बात ये है कि वो तो चले जो हो गया सो हो गया, वोट चला गया, मगर अब वो पीपल्स पार्टी में उनको नजर आ रही है अगली उम्मीद। मेरे लिए ये बड़ी अच्छी बात है कि जो अब यंग जनरेशन है इन तरह की ये सोच के वोट देंगे, ये चाहे पीपल्स पार्टी को दें, चाहे नून लीग को दें, चाहे तरीके इंसाफ को देना चाहती हैं उनको दें, मगर सोच के दें। एग्जैक्टली कहने का मेरा यही मकसद ये मैं इस बात अच्छा, मुझे अप्रिशिएट करता हूं। नहीं नहीं, आप अप्रिशिएट, इन्होंने बगैर सोचा समझे दे चले, चलो ठीक है। अब उन्होंने सोच लिया और उनको सोच के नजर आया कि पीपल्स पार्टी है मेरे वोट की हकदार, आप कैसे कन्विंस करेंगे उनको? कोई बात नहीं, बिलावल भुट्टो भी हमारा भाई है, कोई बात नहीं, ये एक वोट उनको दे लें हम आजाद। अच्छा, आप बिलावल भुट्टो आपके भाई हैं? भाई। और जरदारी साहब क्या हैं? वो पहले भाई थे, अब नहीं है। आप भी पीपल्स पार्टी की जाली हैं, मैं भी पीपल्स पार्टी को लाइक करता हूँ, मेरा भी जेहन उधर ही है माशाल्लाह साहब, क्या बात है मोहतरमा जी, जेहन मिल रहे हैं हमारे, जेहन भी मिल गया, दिल भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। जो हमारी हुकूमत आएगी पीपल्स पार्टी की, हमारी हाँ हमारी, उसमें हम बात कर लेंगे जो भी होगा, क्योंकि अच्छी लगती हैं आप, है भी प्यारी खूबसूरत हैं आप, तो क्या सोचा मेरे बारे में? शर्ट तो चंगी पाओगे तुसी। शर्ट में कमी नहीं पाई है तो गला नहीं, मुझे शर्ट पसंद। अच्छा, नून लीग की कोई गल नहीं पसंद सर, साडा पीपल्स पार्टी दा मुजाकरात हो रहे ने, ते तुसी ठीक है ठीक, तो और भी कुछ चीजें होती है ना को प्यार में मोहब्बत, हाँ, शर्ट से बढ़कर होता है प्यार, हाँ, 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 प्यार तो अंधा होता है। लो मुख्तार है, गल बात गई आ। What are you? You know I am batshit once again. Scared once again. मेरे नाल फिर चोखा हो गया। इस बार। You know a couple of days ago I was reading the newspaper. उठे लिखा है कि एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जरूरत है। But English language बोलता हो। Okay. So I went to the चूनिया। Okay. Yes, factory owner नाल मेरी गुफ्तगू सुनी जो ये। उठे ही उन्होंने कहा you are the perfect man. हले पहला ही दिन सी पुलिस का छापा पै गया, उन्होंने कहा तुसी हैंड सैनिटाइजर बना रहे हो तो इहदा फार्मूला कित्थों तुसी इंपोर्ट कीता? उन्होंने कहा यूएसए तो, बिकॉज इस फैक्ट्री का जिहड़ा ओनर है वो यूएसए दा, वो मेरे को ले आए कहिंदे ने ए मालिक है मैनू कहिंदे ने, नाल उन्होंने मैनू इंज कीता, मैं कहा नो प्रॉब्लम, वो पुलिस वाले फड़ के मैनू थाने ले आए ने, पहला छित्र वजा मेरा दिमाग पुछा हो गया, मैनू सारे पुछे नजर आन, वो जिसले मैं गौर ने वेखे तो उन्होंने मैनू पखे नाल पुछा लटकाया होया सी, वो फांटा उन्होंने मैनू चाने
उते अल्लाह भुला करे मेरे मालिक मकान का, उन्हें मेरी जबानत कराई है 17,000 रुपये जबानत लगा, 3,003 पुलिस वाले ने दिता। उन्हें कहा तेरे उत्ते बैटरेट योगत का केस है। हाँ धोखा दही का यू नो 20,000 उन्होंने भी देना है, तो नाल मालिक मकान नहीं मेरी जी लैंडलॉर्ड नहीं। बड़ी सख्त हैगी। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू, आई हैव गॉट अ गेस्ट ओवर हियर, ही इज अ सिटिंग एमपी, मे बी यू कैन ट्राई योर लक। ओ व्हाट अबाउट इट, पीटीआई देना। मैं पीटीआई के लग रहे हैं? नहीं मैं क्या पीटीआई है, ये कोरोना ने ओ पाकिस्तान की आवाम कोरोना से डर नहीं रही है। आप ऐसा करें इनको बाजारों में भेजें ताकि पाकिस्तान के अवाम इनको कोरोना समय के डरना शुरू हो जाए। सर वो कहते हैं कोरोना से डरना नहीं है लड़ना है, ठीक है ना? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਮੰਗੋ ਅਗੋ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਆਈ ਲਵ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਹੈ ਦਿਸਗਾ ਹੈ। ਯੈਸ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਆਈ ਲਵ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਲੈ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ ਨਾ। ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੀਆਂ ਜਲਾਲ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗ ਸੱਜਣੇ ਸੱਜਣੇ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਓ ਮਾਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਓ ਮਾਈ ਲਵ ਹਮਦਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਓ ਸਾਰਾ ਕੈਂਸਲ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਹਮੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ, ਇਹ ਬਾਤ। ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਓ। ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਾਹਰ ਕਢਾਓ। ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਸ਼ਰਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਕਰੋ, ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ। ਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਓ। ਰੇਡੀਵਾਨ 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 2 3 4 ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਲੈਟਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਾਸਤਾ ਚੀ ਪਾ ਪੂ ਪੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਲਵ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਕੈਸੀ ਸਵੀਟ ਫੋਟੋ, ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼, ਸਫੈਦ ਜੁਰਾਬਾਂ, ਜੋਗਰ, ਐਨਕ, ਗੋਲਫ ਕੈਪ, ਕਿਹਨੇ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ? ਆਫਕੋਰਸ ਕਿਸੇ ਅਕਲਮੰਦ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੇ ਬਣਾਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਐਂਗਲ, ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਫੋਟੋ ਬਣਾਇਆ। ਬੜਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਕੈਮਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭਲਾ ਕਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਆਟੋ ਕੈਮਰਾ ਸੀ, ਆਟੋ ਫੋਕਸ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਉਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੀਅਲੀ? ਯੈਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲਮ ਲਿਖਣਗੇ, ਮਾਸਕ ਕੇ ਪੀਛੇ ਕੌਣ ਥਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫੋਟੋ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੈਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਰਮੀ ਬੜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂਲਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਜਿਕ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਕਾਨ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਟਿਕਟ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਸਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ,
मैं क्या सर दिल थोड़ा लग गया, कहंदे ने बोर हो रहे हैं। अच्छा। मैं क्या दसो सर पाकिस्तान तुहाडे वास्ते की तोहफा भेजी। हाँ। कहंदे ने नून लीग का कोई बंदा भेजो जिहड़ा खुश शक्ल भी होवे, खुश लिबास भी होवे, मॉडल ने मैं परसों वेखिया इश्तिहार चल रहा सी। कौन सा? तलाश गुमशुदा बुजदार का चल रहा था। जदों भी गुजराले गए नहीं मुंह लाया। क्यों? झूठ मारदा जे। बड़े प्यारे आदमी ने, बस नाल ही कह देंदे सन सोशल डिस्टेंस 6 फुट का फासला, लेकिन मोहब्बत होने दी उन्हें की थी। जानदे रोटी पूछी ने, जानदे के ने मैं खा के आए क्योंकि आप ही खा रहे खा नहीं है खा के ते नाल मुर्गा पैक करके दिता ने। हाँ जी एक लात। अपना मैडम फातिमा बलोई साहब मेरे क्लास फैलो ने दसी बिल्कुल याद है, उसे मैं कंटीन ते कदी कदी आंदा सा खाना चेक करन जांदा सा। अच्छा। हाँ ते नाल मैं अपना पढ़दा भी सा, इन्हां नूं मैं बड़े हिंट्स दिते ने तां ही ते कामयाब होए। पास ही नहीं की वजह से हुई हूं, ये ना होते तो मेरा क्या होता। हां जी इन्हां नूं लत्तां तों फड़ के तुसीं पेपर लिख दे सो ना सर। हमारे कोई सुकून आए तेरे कन्नां दे विच धूं क्यों निकल रहा है। अपना सर एक फोटो हो जा दूरों मेरे पहले भी बड़ी तस्वीरें हैं आप इनके साथ रहे। नहीं नहीं वो तुहाडी फोटो सर इंतहाई जरूर, एक तो प्यार मोहब्बत, दूसरा किसी वेले भी तुम फड़ना पै जाए तो फोटो। अच्छा, तो हो ना मेरी तस्वीर लेनी आप, आपकी ना दरमियान में फिर ओके, सिर्फ मेरी आए ये देखो। अच्छा छड़ी ना बेच आए ये देखो ए तुसी हो ना ए मैं मैडम कैन आई हैव कपड़े पा के जाने ने क्योंकि उन्होंने कपड़े नाल मैच भी हो जाएंगे। माशाल्लाह सोहने किड्डे जी। तो किससे आगाज करें 2020 का? लेडीज फर्स्ट। ये बताइए मैडम, एक लिफ्ट में आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगी, एक को आप स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फहद मुस्तफा, फवाद खान और अली जफर। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी पहले? फवाद खान से सेल्फी है। स्माइल किसको देंगी? फहद मुस्तफा। और किनको कहेंगी कि फ्लोर आ गया है? अली जफर को, बिकॉज लाइक हमारी बातचीत हो चुकी है, गपशप है, तो वो शायद मैं कह भी दूं तो वो बुरा नहीं मनाएंगे। अच्छा। हाँ, अली जफर आपके साथ गपशप है इसलिए आपको कहा जाएगा कि फिल्म फ्लोर आ गया है। ठीक है। ये बताइए मैडम, चांद पर जाने के लिए एक स्पेस रॉकेट में आप बैठी हैं, 2 सीट्स हैं उसके अंदर, एक आपकी अपनी, दूसरे पे आप किसी को साथ लेके जा सकती हैं, लेकिन जिनको चांद पर लेके जाएंगी उनके वापस आने की गारंटी नहीं है। अच्छा। ठीक है। जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं जनाब शहबाज शरीफ और जनाब बिलावल भुट्टो। शहबाज शरीफ। कोई खास वजह? क्योंकि जियो भुट्टो वो हीरो तो वही है, शहबाज शरीफ साहब ही है। तो हीरो चांद पे छोड़ दिया उन्होंने? पीर की किरण सिर्फ शहबाज शरीफ है। कौम के लिए एक ही नाम है, वो मुस्तकबिल का नाम है, वो है शहबाज शरीफ का नाम। वो नवाज शरीफ नहीं है? नवाज शरीफ साहब इधर है, सियासत में है, पूरे पाकिस्तान डूबती कश्ती में सवार हैं। 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक आपकी अपनी, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट देकर आप किसकी जान बचाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुजदार, जनाब फयाजुल हसन चौहान, जनाब आमिर लियाकत और जनाब तौफीक भट्ट। तौफीक भट्ट। कोई खास वजह? क्या पता मैं इनकी जान बचाऊं तो ये पार्टी बदल लें या कुछ कुछ तो होंगे ना, मैंने जान बचाई है। जान देने वाले हैं, बच्ची को पता नहीं। सर आपकी बारी है। सर ये बताइए, चांद पर जाने के लिए एक रॉकेट के अंदर बैठे हैं, 2 सीटें, एक आपकी अपनी, दूसरे पे किसी को साथ लेके जाना है, लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे वो शख्स वापस नहीं आ पाएगा, किसको लेके जाना चाहते हैं चांद पर आप? ऑप्शंस आपके पास हैं आबिद शेर अली और राणा सनाउल्ला। आबिद यार है अपना। अच्छा। उसको ले जाते हैं। नहीं जी, आबिद शेर अली साहब आप यार हैं इनके, इसलिए आपको चांद पर ले जाके छोड़ देना चाहते हैं। ठीक है।
मजबूरी के तहत तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के व्हाट्सएप घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे नजर उस तस्वीर में पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस तस्वीर के ऊपर? आप ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मुराद सईद और आपने सीधी लगानी है, नजर आएगी रोज मुराद सईद की लगा लें, मुराद सईद की तस्वीर देख सकते हैं ये लोग। ठीक है, टाइटैनिक पर फिर जा रहे हैं व्हाट्सएप, दो वीआईपी पास, एक आपका अपना, दूसरे पे किसी को साथ लेके जाना है, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, महवेश हयात और इमरान खान। टाइटैनिक डूबने वाला ही है ना, वो बहुत जबरदस्त जहाज था, बहुत बड़ा। मोहतरम हमारे जो इस वक्त जिनका तीसरा नाम आपने लिया है, हाँ जी, वो भी डूबने वाले हैं। अच्छा। और टाइटैनिक भी डूबने वाला है, लिहाजा उनका ही लिख लें फिर। मगर आप भी तो हैं साथ। वो मेरी खैर है। सर ये बताएं फिर, डूबते कश्ती में सवार हैं, दो लाइफ जैकेट्स हैं, एक आपकी अपनी व्हाट्सएप, दूसरी देंगे किसी की जान बचानी है, किन को देंगे वो दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मियां शहबाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज। ये पहले भी सवाल आप मुझसे करते हैं। चलें फिर, मियां शहबाज शरीफ और जनाब नवाज शरीफ। नहीं, मैंने जो पहले आप मुझे सवाल कर चुके हैं, पिछली दफा मैंने मरियम साहबा का नाम लिया था, इस दफा आप शहबाज शरीफ साहब का लिख लें। तो इस बार मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में से सवाल पे कायम रहे ना, आप भी यू टर्न ले गए हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ, सवाल पे कायम रहे वो जो आप। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का, और आपका फातिमा बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, और अपना ख्याल रखिएगा आप दोनों।